अपना आ गया फूल शेट्टी, राणा शेट्टी के बाद हनुमान शेट्टी। और ये है आदि शक्ति माता का, वहाँ ऊपर से तप कुंड का पानी आ जाए। और अभी मैं खड़ा हूँ गंगोत्री में, माँ गंगा के तट पर। सुबह के 11:30 बजे और अभी हम यमुनोत्री की यात्रा पूरी कर उत्तर काशी की तरफ जा रहे हैं। और उत्तर काशी की दूरी यहाँ से 122 किलोमीटर। और ये अपना आ गया फूल शेट्टी, राणा शेट्टी के बाद हनुमान शेट्टी। और हनुमान शेट्टी वही जगह है पहुँचते कॉल करता हूँ जहाँ पर महाभारत में हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। हनुमान शेट्टी के बारे में पता है शिव कुमार जी? नहीं, मेरे सामने महाभारत में देखा होगा कि भीम निकल रहे थे और एक बंदर, हनुमान जी बंदर बनकर रास्ते में पड़े थे और हनुमान जी की पूछ भीम नहीं उठा पा रहा था। ये वही जगह है हनुमान शेट्टी। रास्ते यमुनोत्री की सीजन पूरी हो चुकी है, तो खच्चर वाले अपने घर जा रहे हैं। वैसे भीड़ तो बहुत थी नहीं शिव कुमार जी? हाँ जी, भीड़ तो थी, सीजन में बहुत ज्यादा भीड़ रहती होगी। और ये पूरोला गांव है यमुनोत्री इसी पंचायत में पड़ता है। रास्ते में बहुत ही सुंदर जल बरसात है। सियाला शक्ति आया नहीं, सियाला शक्ति यहाँ पर। ये साइड में रिंगाल के पौधे भी बहुत है, रिंगाल और बड़े बड़े सीड के पेड़। आ गया महर गांव जहां पर कल हम शिव गुफा पर गए थे। और दोपहर के 2 बजे हम तरासु बैंड आ गया नहीं, तरासु बैंड। और यहां से उत्तर काशी है 40 किलोमीटर होगा। काशी से कोई 20 किलोमीटर पहले ये वीरपुर गांव है जहाँ पर हम अभी पहुंचे, बहुत बड़ा गांव है। उत्तर काशी से कोई 12 किलोमीटर पहले गांव है नागपुरी, और ये बिल्कुल भागीरथी की मैया के किनारे पर है। ये सामने है भागीरथी मैया जो देवप्रयाग जाकर अलकनंदा से मिलकर गंगा जी बनती है। के 2:30 बजे हम पहुंच चुके उत्तर काशी। अपने देश में 3 काशी है, एक काशी, दूसरा गुप्त काशी और एक उत्तर काशी। और इन तीनों ही काशी में
भगवान काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है जिसके दर्शन हेतु हम जा रहे हैं। काशी बहुत बड़ा नगर है, उत्तर काशी बहुत बड़ा नगर है, उत्तराखंड का एक जिला है। और पहुंच चुके हम भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर। और यह सर्कल पर भगवान शिव जी की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर देवदार की लकड़ी से ही बना होगा प्रवेश द्वार, और प्रवेश करते ही गणपति जी की मूर्ति। और इस तरफ है मुख्य मंदिर, और ये बीच में मंदिर है शक्ति माता का, मतलब कि पार्वती माता का, और उसके बाद है काशी विश्वनाथ। और इस मंदिर में एक त्रिशूल है बहुत बड़ा विशाल। पुजारी जी का कहना है कि वो आकाश से गिरा था और पाताल में जा पड़ा था। और ठीक इसके सामने है भगवान शिव जी का मंदिर। काशी विश्वनाथ और मंदिर के पास में ही शनि देवता और हनुमान जी का मंदिर है। काशी विश्वनाथ से दर्शन कर अब हम गंगोत्री की तरफ आगे बढ़े हैं। और ये सामने खड़ी है हमारी गाड़ी। अभी अपना डेस्टिनेशन क्या है सुभाष भाई? सुभाष भाई ने क्या नाम बताया आपका? सोनू भाई। क्या है डेस्टिनेशन अपना सर? डेस्टिनेशन आप बताइए, आप कल पैदल जाओगे गंगोत्री? वो गोमुख जाओगे या नहीं जाओगे? वो अगर आज पहुंच गए तो कल गोमुख चले जाएंगे। गोमुख जाने की इच्छा है आपकी तो बताओ फिर। हाँ, इच्छा है। गोमुख जाने की इच्छा है तो फिर कोई नहीं, गोमुख से रुकते हैं सीधे। आज अगर पहुंच गए तो कल सुबह निकल सकते हैं गोमुख के लिए। गोमुख जाने के लिए सर आपको ना 2-3 दिन चाहिए सर। हाँ जी, 2-3 दिन। 2-3 दिन? हाँ जी, 2 दिन लगेंगे। 2 दिन तो पक्का लेंगे सर। एक जाने का, एक दिन तो वापस आने का। एक दिन तो जाने का और एक दिन आने का। अगर बरसात नहीं होगी तो? बरसात नहीं होगी तो रास्ते में? हाँ, बरसात नहीं होगी तो जी। और बरसात होगी तो फिर तो आप आ सकते हो 2 दिन में। बरसात होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, बरसात ऐसा लग रहा है कि बरसात का सर कुछ नहीं पता है। बरसात को तो यहाँ पर हर घंटे बदलता है सर मौसम। गंगोत्री यहाँ से 92 किलोमीटर है। यहाँ रास्ते में एक चौकी है जहाँ पर गंगोत्री यात्रा के लिए पंजीकरण दिखा दिया होता है, उसका चेक करते हैं। ये ना पावर प्लांट बोलते हैं। रास्ते में ये है हीना पावर प्लांट, भागीरथी मैया पर डैम बना हुआ है।
शाम के 4:30 बजे हम गंगना नहीं पहुँचे हैं, यहाँ दर्शन करके आते हैं, पर हर्षिल यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है। और ये है ऋषिकुंड गंगना ने। हेलो, गरम कपड़े। हेलो गाइस, नहीं भाई, जय बोले बोलो, जय बोले, जय बोले। और ये है गंग नानी का कुंड, और ऊपर ऊपर पराशर मुनि की तपोस्थली है, और यहाँ पर है पराशर मुनि और आदि माता देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। इस तरफ है गंगेश्वर महादेव। और ये मंदिर का जो बाहरी हिस्सा है वो देवदार की लकड़ी से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, और ये घंटियों के जैसा लकड़ियों से बनाया हुआ। हाँ, थैंक यू। चलो, गंगा नदी में तप्त कुंड है, कहा जाता है गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, और कैसे है वो पता नहीं। गंगनानी से हम गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये कावड़ वाले गंगा जल को नीचे नहीं रखते, इसलिए लकड़ी से बांध कर ऊपर रखते हैं। जैसे ही आता है ना, यहाँ से कितना है गंगोत्री? सुनो भाई, सर यहाँ से तो रह रहा होगा अभी 55 के आसपास, रह रहा होगा 55 के आसपास। आते हमें 7 घंटे का समय हुआ है, ये हर्षिल है, और यहाँ से गंगोत्री अभी भी 28 किलोमीटर दूर है, और ये है पहाड़ी बेड़े। गंगोत्री यहाँ से 8 किलोमीटर, ये वाला रास्ता नहीं, गर्तांग गली का जाता है, पुराना चीन जाने वाला रास्ता। और शाम के 7 बजे हम गंगोत्री धाम पहुंचे, और ये है यहाँ का पार्किंग, और इस तरफ है मुख्य प्रवेश द्वार। और यहाँ से मंदिर की दूरी कोई 500 मीटर के आसपास है। जय बोले। और यहाँ रास्ते पर में कावड़ और पूजा का हर सामान मिल जाएगा, इनकी दुकानें सजी पड़ी है, लाठिया
और गंगा जल भरने के लिए पात्र। और हम अभी रुकने के लिए होटल या धर्मशाला ढूंढ रहे हैं, जहाँ भी अच्छा लगता है वहाँ रुकेंगे। और ये है अपनी भागीरथी गंगा मैया। और अभी मैं खड़ा हूँ गंगोत्री में, माँ गंगा के तट पर। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है गंगोत्री धाम। और कभी पहले यहाँ से गंगा मैया का उद्गम होता था, और बाद में हमारे कुकर्मों की वजह से, पर्यावरण दूषित होने की वजह से, हर साल धीरे धीरे गौमुख पीछे खिसकता जाता है। और अब गौमुख यहाँ से 22 किलोमीटर पीछे। और ये सामने है गंगा मैया का मंदिर, और यहाँ से ये कावड़ वाले गंगा जल भरते हैं, और फिर यहाँ से अपने अपने इष्ट देव महादेव के वहाँ जल अर्पित करने हेतु जल निकलते हैं। और यहाँ से आप देखिए गंगा मैया के प्रवाह को। माँ गंगा के बिल्कुल तट पर यह आश्रम है ईशावाश्रम, यहाँ पर हमने कमरा लिया। तो आज का रात्रि विश्राम यही करेंगे, पहले आपको कमरा दिखा देते हैं। और इस आश्रम में ये कमरा मिला है हमें। लाइट नहीं अंदर क्या? ये तो हॉल है। और इस तरफ टॉयलेट बाथरूम है। और यहाँ पर मंदिर भी है, पता नहीं कौन से भगवान का मंदिर है, देखते। हनुमान जी का मंदिर है। और इस तरफ है यज्ञशाला। अभी हम कमरे में सामान रखकर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और कमरे का किराया अभी तक आश्रम वालों ने हमें बताया नहीं, बोला बाद में, तो इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। अभी हम माँ गंगा के दर्शन हेतु जा रहे हैं। चलो हर हर गंगे हरो। और आश्रम से निकलते इस तरफ राधा कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पर इस बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस भी है। और वापस हम इस लोहे के ब्रिज को पार कर सामने के तट पर गंगोत्री माता के, माँ गंगे के दर्शन हेतु जा रहे हैं। जय। और ये आ गया गंगोत्री मंदिर द्वार। मंदिर के कपाट बंद होने में अभी 10-15 मिनट का समय शेष है, तो हम दर्शन करके आते हैं। अभी 7:45 पर शयन आरती के लिए मंदिर के कबाट खोलेंगे, उसी के दर्शन हेतु हम लाइन में बैठे हैं।
ये है फूल पता नहीं, और ये है गंगा तुलसी जो कि सिर्फ हिमालय में होती है। रात के 9 बजे और आज का भोजन प्रसाद हमने आश्रम में ही पाया, बहुत ही स्वादिष्ट और सात्विक भोजन था, सब्जी रोटी दाल चावल। तो आज इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और ये हॉल है, आज तो पूरा का पूरा वॉल समर्पित है हमको। चेयर बेड वाला है।